फ्री सिलाई मशीन योजना 2022, जैसे कि आप सभी को पता है कि ये योजना काफ़ी लंबे समय से चलती चली आ रही है और इसमें काफ़ी कैंडिडेट भी जो है अपना आवेदन करके फ्री सिलाई मशीन जो है प्राप्त भी कर चुके हैं। तो इसमें आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इसमें आप लोग आवेदन कैसे करेंगे, इसकी पात्रता क्या है, कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सभी जानकारी आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। साथ ही आपको बताने वाला हूँ कि फॉर्म को भरने के बाद आपको अपना फॉर्म जमा कहाँ करना है। तो कंप्लीट जानकारी पाने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों पूरा देखें, और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो यहाँ पर मैं आपको पूरी नोटिफिकेशन इस वीडियो के माध्यम से आज क्लियर कर देने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज़ पत्रिका के माध्यम से जो कि हाल ही में पोस्ट किया गया है, तो महिलाओं के लिए बेहतरीन मौका, एक आवेदन और फ्री में पाइए सिलाई मशीन। देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिए सरकार मुफ्त सिलाई मशीन योजना चला रही है। पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 के तहत बिना किसी खर्च के सिलाई मशीन दी जा रही है। और आपको ये पोस्ट हम दिखा दें दोस्तों, आपकी डेट भी यहाँ पर दिखा दें, यहाँ पर देख सकते 10 जून 2022 अपडेट डेट है। तो ये योजना जो है फिर से चालू कर दी गई है, और साथ ही दोस्तों ये यूपी के साथ साथ कई जो है राज्यों में चालू की गई। यहाँ पर आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। देख सकते दोस्तों यहाँ पर जो है सरकार की कोशिश है कि देश की महिलाएं सशक्त बने, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के तहत देश की महिलाओं को सरकार की ओर से मुफ्त में सिलाई मशीन दी जा रही है। प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजना का लाभ देश की महिलाएं एक आवेदन पर जो है उठा सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए, इसमें जो आपकी पात्रता और यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी रखी गई है क्रिटेरिया, ये आप यहाँ पर पहले नोट कर लें। तो सबसे पहले आपकी उम्र जो होगी वो 20 से 40 साल के मध्य होनी चाहिए। आपकी उम्र जो है 20 से कम नहीं होनी चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर देख रहे थे केंद्र सरकार की ये योजना देश के हर एक राज्य की 50,000 महिलाओं के लिए तैयार की गई है। पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना 2022 के तहत बिना किसी राज्य के महिलाओं को सिलाई मशीन प्रदान की जाती है। इस स्कीम के तहत अप्लाई करने वाली महिलाओं की उम्र जो है 20 से 40 होनी चाहिए। अप्लाई करने के बाद महिलाओं को मुफ्त सिलाई मशीन दी जाएगी। यहाँ पर देख लेते हैं इन राज्यों में भी चल रही है स्कीम। जैसे कि यहाँ पर आपको बता दें, पीएम फ्री सिलाई मशीन योजना के तहत हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों जो है राज्यों में चल रही है। इन राज्यों की महिलाएं इसमें जो है इसका फायदा उठा सकती हैं, पर यहाँ पर उनकी कुछ कंडीशन है, उनकी कुछ शर्तें हैं। सबसे पहले आपकी यहाँ पर पात्रता क्या होनी चाहिए, कौन ये सिलाई मशीन की जो फॉर्म भर पाएगा, कौन नहीं भर पाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदकों को भारत का नागरिक होना पहले यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट है। देश में केवल आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं ही इस योजना का लाभ ले सकेंगी। साथ ही महिला आवेदक के पति की सालाना आय 12,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एक बड़ी ये जो है एक डिमांड है यहाँ पर कि 12,000 रुपये से आपकी वार्षिक आय नहीं होनी चाहिए। इस योजना के तहत विधवाएं और दिव्यांग महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं और इसका लाभ उठा सकती हैं। तो जैसे कि दोस्तों, आप इसमें आवेदन करने का जो प्रोसेस बताया गया है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यूपी में और अन्य राज्यों में विशेषकर ऑफलाइन तरीके से ही इसका आवेदन किया जा रहा है, लिया जा रहा है, और यहाँ पर सिर्फ हरियाणा ही ऐसा है राज्य जहाँ पर इसके लिए ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं आप। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि आपको ऑफलाइन और हरियाणा के लिए ऑनलाइन किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक लिंक दिया गया है india.gov.in, तो चलिए इसे भी यहाँ पर ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस वेबसाइट को ओपन कर रखा है अपने ब्राउजर में, और इसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में भी दे रखा है। अब यहाँ पर आप इंटरफेस पे आने के बाद आप यहाँ पे खोज रहे होंगे कि आपको यहाँ पर फ्री सिलाई मशीन योजना का लिंक कहाँ मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपको डायरेक्टली कुछ नहीं करना है, पर जो डायरेक्टली इनसे जुड़ना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर ना 3 लाइन पर इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपको सर्विस पर क्लिक कर देना है। सेकंड वाले ऑप्शन पर सर्विसेज पर जैसे आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर नया वेबसाइट ओपन होगा। देन उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम ऊपर की तरफ थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, और यहाँ पे हमें फिर से वही की वर्ड सर्च कर देना है, हमें फ्री सिलाई मशीन योजना का जो है हमें यहाँ पर फिर से सर्च कर देना। अब यहाँ पे जैसे हम फिर से सर्च करेंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए आएंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए सर्च रिजल्ट का ऑप्शन आ चुका है, और यहाँ पर हम दूसरे नंबर पर देखेंगे अप्लाई फॉर सिलाई मशीन स्कीम रजिस्टर्ड वोमेन वर्कर ऑफ HBOCWW बोर्ड हरियाणा, इस पर आपको क्लिक कर देना। अगर आप हरियाणा से हैं तो इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन आवेदन यहां से कर सकते हैं। अगर आप हरियाणा किसी तरीके से आपके अपने भी स्टेट का मिल जाएगा, जितने स्टेट का हमने यहां पर बताया। ऐसे हम डेस्कटॉप साइड नोट पर करते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से व्यू हो। अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आपको जो है न्यूली लॉन्च स्कीम सर्विसेज यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा। अब यहाँ पर देखिए साइन इन हियर दिया गया ऑप्शन, ठीक है।
अब इस पर आपको सबसे पहले आना होगा यहाँ पर न्यू यूजर रजिस्टर्ड हियर पर क्लिक करके आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पर लॉगिन करके फिर आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस यहाँ पर हो जाता है। पर अब यहाँ पर अगर आप यूपी से हैं या फिर आन किसी जो है स्टेट से हैं तो यहाँ पर देखिए ऑफलाइन फॉर्म आपको दिखा देते हैं। सो फाइनली जो ऑफलाइन फॉर्म का पीडीएफ प्रारूप है यहाँ पर हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा आसानी से। यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द फ्री सप्लाई ऑफ स्विंग मशीन्स। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले एप्लीकेंट का नेम रहेगा, उसके बाद मेल फीमेल, ऑब्वियसली यहाँ पर आपको सिर्फ फीमेल ही डालना है। उसके बाद आपको अपना कंप्लीट एड्रेस यहाँ पर फिल कर देना है इंग्लिश में ही, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे जैसा कि ये जिसमें बताया गया आपकी उम्र 20 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर कास्ट के कैटेगरी में आएंगे, अपनी जात यहाँ पर डालेंगे दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको जो है अंडर वाट रीजन द स्विंग मशीन रिक्वेस्टेड, या आप ये स्विंग मशीन के लिए यानी सिलाई मशीन के लिए क्यों रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप गरीब हैं या फिर डिस्टिट्यूट विंडो यानी विधवा हैं, या फिर यहाँ पर आप देख सकते हो तो डिस्टर्ड वाइफ है, या फिर यहाँ पर हैंडीकैप यानी कि आप विकलांग वगैरह हैं, तो जो है आपको उस पर आपको सिर्फ गोला कर देना है या फिर उसके सामने आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपकी एनुअल इनकम यहाँ पर जैसे कि हमने बताया इसमें 12,000 वो आपको यहाँ पर होना चाहिए, वो आपको लिखना होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ आपसे क्वेश्चंस किए जा रहे हैं कि इज स्विंग मशीन वाज रिसीव्ड प्रीवियसली, अगर आपने कोई भी स्विंग मशीन फ्री में इससे पहले प्राप्त की है तो उसकी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होगी, यस या नो का, तो यहाँ पर कुछ सिंपली नो कर देना है। उसके बाद यहाँ देखेंगे फ्रॉम होम द स्विचिंग वाज ट्रेंड, क्या आपको सिलाई करनी आती है, ये आपको यहाँ पर यस या नो में जवाब दे देना। उसके बाद ये देखेंगे पासपोर्ट साइज फोटो इंक्लोज आर नॉट, आपके पास जो है पासपोर्ट साइज फोटो है या फिर नहीं, इसका आपको यहाँ पे ऑब्वियसली जो है यस कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए दिया गया है सर्टिफिकेट टू बी इंक्लोज, यानी जो सर्टिफिकेट यहाँ पर लगने वाले वो यहाँ पर आपको दिए गए, तो इनकम सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए 12,000 तहसीलदार से बना हुआ, ये आपका यहाँ पर होना चाहिए। प्रूफ ऑफ एज का आपका यहाँ पर एज का सर्टिफिकेट यानी कि आपका आधार ऑब्वियसली हो जाएगा एज के लिए, यहाँ पर जो कि उम्र आपकी 20 से 40 के मध्य होनी चाहिए। अगर आप हैंडीकैप्ड हैं तो आपके यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट देना होगा, अगर यहाँ पर आप डिस्टिट्यूट विंडो यानी विधवा हैं आपको उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको देना होगा। इसी तरीके से आपको कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनवाना होगा, अगर आपके नगर निकाय से हैं तो आप अपने नगर से जो है कम्युनिटी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, अगर विलेज से हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान से ये कम्युनिटी सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे इफ डिस्टर्डेड वाइफ है आपको उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर जो देना होगा। उसके बाद प्रूफ ऑफ नोइंग टेलरिंग, अगर आपको जो है यहाँ पर सिलाई मशीन की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग ली है आपने, आपको आती है, तो उसका भी आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर डॉक्यूमेंट देने होंगे। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह है, उसके बाद आपके आधार वगैरह ये सब सारी चीज़ें इसके साथ अटैच करके दोस्तों आपको इसे अपने ब्लॉग में जमा कर देना है। अगर आप अपने ब्लॉग में नहीं जमा कर पाते हैं तो आप अपने ग्राम प्रधान के थ्रू भी इसे आप जानकारी लेकर के जमा करा सकते हैं अपने ब्लॉग में। अगर आप दोस्तों वहाँ से भी कुछ नहीं कर पाते तो आप डायरेक्टली जो है अपने जो है सेक्रेटरी से संपर्क, क्योंकि इस तरीके की फॉर्म की जाँच वगैरह होने के बाद सबमिट करते हैं सेक्रेटरी, तो आप उनसे भी इस फॉर्म को जमा कर सकते हैं। आशा करता हूँ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी, और इस वीडियो फॉर्मेट को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर डाउनलोड करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।